इसने ना मेरे को कॉल करी, तो इसने ना मतलब ऐसी नॉर्मल बात चल रही थी, फिर एकदम से उसने उसकी बात छेड़ी, कहते कि देख, इसने मुझे लिखी थी मैं पोजेसिव हूँ, ठीक है, मैं पोजेसिव हूँ और कभी कभी मैं बहुत ज्यादा पोजेसिव हो जाता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, और वो मेरे को बोल रहा था एक तरह से, मतलब जिस तरह से बात करते करते, तो मतलब ये था श्वेता बात छेड़ता है ये अपनी पुरानी बंदी, तो उसने मेरे को बताया कि भाई वो जो लड़की थी मतलब बहुत ज्यादा प्यार करता था, कितने पागल नहीं चाहते किसी के पीछे, जैसे था कहते हैं कि वो बंदी से मेरे को यूज कर रही थी और मुझे बात पता भी नहीं, मतलब ये था कि उसको पता थी वो जब भी उसके साथ था, ये था कि मतलब वो बंदी के पीछे में इतना पागल था कि मतलब ये था कि वो सेक्स एडिक्टेड थी लड़की, तो कह रहा था कि योर माइक इज ऑन, योर माइक इज ऑन श्वेता, सेम ऐसी हुआ था उसके साथ, लेकिन लड़के के साथ, सोच श्वेता भाई, मतलब ये था कि कह रहा था कि वो बंदी ने सेक्स एडिक्टेड थी, समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कर दिया था, ये था कि वो होता है ना कि मतलब वो जैसे कहते ना अट्रैक्शन जी बिल्कुल फीलिंग वाले, तो समझ रही है तू, मतलब कैसे बताऊं मैं तेरे को, तो ये था कि उसने भी मतलब कर लिया, मतलब लड़के ने भी कर लिया, ठीक है, मतलब हो गया था, मतलब उसने मुझे ऐसी आदत डाल दी थी करने की ये सब, कि मतलब हर मीटिंग पे वो करती थी, हर मीटिंग पे, मतलब जब भी मिलते थे जब भी करते थे, कहता और कहता था कि कह रहा था कि यार देख उसने ना मुझे ना यार मुझे नहीं क्या तुझे पता है कोई लड़का बहन राधे का कोई लड़का ना अपने इतने सीक्रेट्स इतनी सारी चीजें तक नहीं बताता, उसने मेरे को एक एक चीजें बताई है, जो पता है क्या कहता कि मैंने ना अपने खुद की बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताई, उसने मुझे ऐसी ऐसी चीजें बताई, मतलब 111 लोगों को पता लग गई, अननोन पर्सन को या एक दो महीने की रिलेशनशिप में आने में कौन बता देता है, सब चीजें तो खुद बताइए, माइक ऑफ कर ले, उसने उसने मुझे एक एक मिनट को दिया, उसने मतलब वो बंदा पंडित है, ठीक है, कॉल करो यार।